तो सिवान पहुंच गया हूं मैं। सिवान का सर्वे आप जरूर देखिएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी मेरे साथ हैं एक दिलचस्प कहिए इंसान जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और शायद इनकी पार्टी का नाम भी कुछ इसी तरह का है, राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह इनका है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जी, तो सिलाई मशीन तो बहुत बांटे होंगे समाज सेवा करते हैं तो। जी देखिए, एक्चुअल में हम जब एमपी का इलेक्शन हुआ उस समय निर्दलीय थे, उसके बाद से राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी हम लोग बनाए। अभी मेरा 10-15 सीट पे हमारे लोग लड़ रहे हैं सेकंड फेज में, फर्स्ट सेट में 10 फेज पे लड़ रहे थे, बांका सीट पे भी लड़ रहे थे जो चुनाव खत्म हो गया। हम लोग का एक ही है कि मानव सेवा कल्याण यहाँ पे है और मैं अपना प्रचार निरंतर 2019 से लेकर के 20 खत्म होने जा रहा है, डेली हम लोग गाँव गाँव में घूम के अपना प्रचार अभियान चलाते हैं और करते हैं। अब इलेक्शन का टाइम है, यहाँ तो बीजेपी की पार्टियाँ हैं, इन लोगों को पता नहीं चलता कि उम्मीदवार कौन होगा। ऐन मौके पर घोषित किए, ऐसे व्यक्ति को घोषित किए जो यहाँ पे ऑलरेडी एमपी थे, यहाँ पे 10 साल एमपी रह चुके हैं ओम प्रकाश जी, ऐसे आदमी को टिकट एमएलए का दे दिया गया और बिहारी जी का टिकट फाइनल हुआ। अब ये इलेक्शन के बाद ये लोग अपना जुलूस निकाले हैं, 50 गाड़ी निकाले हैं, लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार हम अकेले अपने गाड़ी में 2-3 कार्यकर्ता मिलकर के लगातार हम लोग घूम रहे हैं और हम लोग का वोट बड़ी सॉलिड है। हमारे जो वोटर हैं वो चुपचाप बैठे हैं। ऐसे आपका वोट सॉलिड है, बताइए कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये है कि लोग यहाँ ठगे जा चुके हैं। हमारे बैकवर्ड लोगों का ये कहना है जो कि अति पिछड़े लोग हैं, उनका कहना है कि हम लोग मोदी जी के नाम पे बार बार वोट देते हैं। वो लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मोदी जी सारा योजना का सामान दे भी रहे हैं, हम लोग के पास तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो हमारे नेता हैं ये लोग जीत जा रहे हैं, ये लोग लूट के खा जा रहे हैं, मेरे पास कुछ आता नहीं। अभी मूसा टोली में जाके देखिए, सब लोग गरीबी के नंगा नाच देख रहा है। गाँव गाँव में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि जॉब कार्ड के ऊपर मुखिया लोग पैसा लेते हैं। जॉब कार्ड से लोगों को काम कराना चाहिए, जनधन अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है, मुखिया कोई काम नहीं कराता है, जॉब कार्ड भर देते हैं लोग, सीएसपी से जाके पैसा उठा लेते हैं। आपके पक्ष में कैसे लड़ाई हो रही है, कहां कहां से वोट मिल रहा है वो समझाइए हमको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितने हमारे मूसा टाइप के लोग हैं, अति बैकवर्ड हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जो लोग ठगे जा रहे हैं मोदी के नाम पे, केवल इन लोगों से वोट ऐठा जा रहा है, सारे लोग इस बार ग्लोबलाइज हो चुके हैं। इन लोगों का ये कहना है कि लोग हम लोग को ये समझता है कि हम लोग इंसान नहीं है। इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े नेता आकर के बोलते हैं पाउच पी लो, पैसा ले लो, साड़ी बांट लो, हम लोग बिकने वाले इंसान नहीं है। ये समाज से ये कलंक धोने के लिए एक छत्र लोग अति बैकवर्ड लोग खड़े हैं, पहली बात। वो सारे मेरे वोटर हैं आज के डेट में, क्योंकि एक साल से उन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। जो भी योजनाएं सरकार से आती हैं कि 60-65 साल के ऊपर लोगों की वृद्धा पेंशन मिलने चाहिए, गाँव में जो गरीब व्यक्ति है उसका वृद्धा पेंशन पास नहीं हो रहा है, जो भी योजनाएं मिलती हैं कि 30-35 किलो अनाज मिलना चाहिए, गांव के गरीब लोगों को अनाज नहीं मिलता है, भगा दिया जाता है, उन लोगों का काट काट दिया जाता है, उन लोगों का कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं गाड़ी लेकर के जाते हैं, बोरा का बोरा चावल और गेहूँ लेकर अपने घर में चले जाते हैं, गरीब का गरीबी है। यो जो उदासीनता यहाँ की नेताओं में रहा है, यहाँ कोई नया नेता नहीं है, जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट हैं बड़े कमजोर हैं। हमारे 3-3 बार के जीते हुए यहाँ के एक हमारे जनता दल के हैं जो मंत्री रहे हुए हैं, एक बार हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो हैं जो 10 साल जीतने के बाद यहाँ किसी को दर्शन नहीं दिए थे। अब ये गांव में जाते हैं लोग पत्थर फेंकते हैं, इनको रोड़ी फेंकते हैं। अब ये इन लोग की अवस्था है, इन लोगों में आपस में फूट थी, ये लोग बीजेपी वाले लोग 10 जगह छीटे हुए थे। आपको किसका वोट ज़्यादा आ रहा है कन्वर्ट होकर? हमारा सबसे अति बैकवर्ड वोट आ रहा है, हमारा बैकवर्ड वोट मेरे पास मैक्सिमम है। हाई कास्ट के लोगों का वोट जो है वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना पत्ता नहीं खोलते हैं, बीजेपी के वो लोग सपोर्टर हैं। अगर हमको चाहेंगे तो अच्छा नेता के रूप में वोट दे सकते हैं, मैं अपील भी करता हूँ इन लोगों को, लेकिन उस पर हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अति पिछड़े जाति का मैक्सिमम वोट मुझे मिल रहा है, ये मुझे विश्वास है, इस आश्वासन समाज में मिला हुआ है। तो ये वोट 50% से ज़्यादा है, बाद बाकी 50% में सारे लोग हैं, इसीलिए हमको आत्मविश्वास है कि 10 तारीख के इलेक्शन में मैं जीत रहा हूँ और एक नया MLA के रूप में अनिल कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी सिलाई मशीन छाप का लोग देखेगा। सिवान बदलाव के मूड में है और सिवान में एक नया नेता होगा जिसका नाम अनिल कुमार वर्मा होगा। इस उत्साह के साथ हम इलेक्शन में है, 3 दिन और बचा हुआ है। कितना कैंडिडेट लड़ रहा है आपका चुनाव? देखिए हमारे यहाँ 14 कैंडिडेट हैं, 14 में से पार्टी के कैंडिडेट 6 हैं, बाद बाकी यहाँ पे 8 कैंडिडेट निर्दलीय से हैं, जिसमें से 3 लोग सरेंडर कर चुके हैं, बचे हुए हैं 5 कैंडिडेट, वो भी आज के डमी के डेट में लोग लगभग बैठ गए हैं, कोई प्रचार नहीं करता है। 2 निर्दलीय कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं, बाद बाकी पार्टी के 4 लोग प्रचार में हैं, बस इतना ही 6 लोग समाज में दिख रहे हैं, बाद बाकी सारे लोग बैठ गए हैं। 6 में से क्यों लोग आपको चुने? देखिए ये 6 जो लोग हैं ये लोग 10 दिन के चंद दिन के बरसात के मेढक हैं, ये लोग अभी अभी इलेक्शन में आए हैं, लोग कोई जानता उनका नहीं है। ये इलेक्शन में आकर के अपना अपना दमखम ला करके पोस्टर बाइक ला कर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गली गली में घूम कर बड़ी बड़ी साउंड लगा रहे हैं। मेरे गाड़ी में आप देखिएगा पोस्टर तक नहीं है,
मैं एक वो कैंडिडेट हूँ। देखिए मेरा गाड़ी है, इसके ऊपर एक भी पोस्टर नहीं है, लाइट दिखाइए, एक पोस्टर नहीं है, गाड़ी में कहीं पोस्टर नहीं है, गाड़ी में कोई सिंबल नहीं है। मैं एक सिंपल सा व्यक्ति, मेरे पास कोई बाजा नहीं है, मैं अकेले खड़ा होकर के अपने कैंडिडेट के साथ गाँव में जाता हूँ, मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, एकदम नॉर्मल गाड़ी है मेरी, जा जाके गांव गांव में घूम के काम करता हूं। हमारे वोटर हैं, हमको लोग वोट दे रहे हैं, हमको ये आडंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई तो आपका चुनाव प्रचार लोग कैसे समझेंगे, याद कैसे हो? अरे ये तो याद हमारा 10 महीने पहले से ही है, मेरा सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आज थोड़े मिला है, तो फेब्रुवरी में मिल गया था, उसी दिन से घर घर में, गाँव गाँव में, दिल दिल में चुनाव मशीन बसा हुआ है मेरा। सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह तो हर व्यक्ति को मालूम है, ये 10 दिन बताने की क्या जरूरत है? इस गाड़ी का परमिशन क्यों नहीं मिला? ये गाड़ी का परमिशन इसलिए नहीं मिला कि गाड़ी में 2016 में खरीदा, उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स भरे हुए हैं। हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी गाड़ी नहीं होता है जो 15 साल से कम उसका फिटनेस हो। कोई कलर गलती से 2018 लिख दिया, सिस्टम में चढ़ा दिया, यहाँ के एडीएस हम बोलते हैं कि हम आपका गाड़ी पास नहीं करेंगे, जब ये कैंडिडेट की गाड़ी है, मेरे नाम पे गाड़ी है, मैं कोई किराए की गाड़ी लेकर नहीं चलता हूँ। ये MP के इलेक्शन में पास हुआ था, ये लोग हमको इतना भी ग्रेस नहीं दे रहे हैं। रास्ते चौराहे पे लोग रोकते हैं, पता नहीं प्रशासन खुद रोकता है कि किसी के कहने पे रोकता है, ये लोग मुझे घूमने के भी डिस्टर्ब करते हैं। मेरे साथ किसी प्रशासन का सहयोग नहीं है, मेरे साथ केवल जनता का सहयोग है। मैं एकदम नियम कानून पालन करके अपने प्राइवेट गाड़ी में सीधा और शालीन तरीके से घूमता हूँ, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई पोस्टर बैनर नहीं, दिल में छपा हूँ। सिलाई मशीन और अनिल वर्मा जनता के दिल दिल में है, जो मेरा वोटर है। आप चलिए कर गांव में मेरे साथ एक दिन टूर कर लीजिए, पंचायत के पंचायत लोग मुझे वोट देते हैं, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। चलिए, तो आपने देख लिया किस तरह से दावा है इनका। इनका कहना है कि सिवान की जनता के दिल में यहीं बसते हैं और इस बार विधायक बनकर रहेंगे। देखिए, अब तो वोट देने के बाद ही पता चलेगा, वोटों की गिनती होगी तभी पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है। लेकिन अगर आप सिवान के हैं, इनको जानते हैं और इनके दावे में दम दिखता है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट भी लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 16.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आपको सिटी पोस्ट पर मिलेगी।